स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास परसेंटेज जो है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पार्ट्स पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, 10% मास बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। The exact volume of solvent is not mentioned, or it is not known. Friends, percentage mass by volume solute की जो है वो grams में वो मिकदार जो 100 cubic centimeter solution में हल हो, percentage mass by volume कहलाती है। मसलन 10% mass by volume sugar के solution से मुराद है 10 gram sugar को पानी में हल करके 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का असल जो वॉल्यूम है वो मालूम नहीं होता, ठीक है। इसका है परसेंटेज यानी कि मास बाय वॉल्यूम है हमारे पास। इसका जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का वो है हमारे पास मास ओवर सॉल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जिसके साथ सी एम क्यूब लिखा हुआ आपने सी एम क्यूब लिखना, जिसके साथ जी लिखा है उसके साथ आपने ग्राम्स लिख देना। तो इनको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम बाय मास। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, 10% volume by mass alcohol solution in water means 10 centimeter of alcohol is dissolved in unknown volume of water, so that the total mass of the solution is 100 grams. In such solutions, the mass of a solution is under consideration. Total volume of the solution is not considered. परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, यानी कि सॉल्यूट के वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास कहलाती है, ठीक है। आई रिपीट, सॉल्यूट के वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर में वो क्वांटिटी वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास कहलाती है। फॉर एग्जांपल, 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल के सॉल्यूशन से मुराद ये है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को पानी में हल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का मास जो है वो भी मद्देनज़र रखा जाता है, वॉल्यूम नहीं। यानी कि सॉल्यूशन का जो मास है वो अंडर कंसिडरेशन होता है, उसका वॉल्यूम नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाती है वॉल्यूम बाय मास की। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी इसको भी पढ़ते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्वड पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, 30% alcohol solution means 30 centimeter of alcohol dissolved in sufficient amount of water, so that the total volume of the solution becomes 100 cubic centimeter. So percentage volume by volume का मतलब है solute के volume की centimeter cube में वो quantity वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में हल हो, परसेंटेज वॉल्यूम कहलाती है।
आई रिपीट, सोल्यूट के वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर में वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हल हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाती है। फॉर एग्जांपल 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से मुराद ये है कि सोल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में अल्कोहल के 30 क्यूबिक सेंटीमीटर हल हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी, इसको देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अ कंसेंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। मोलैरिटी इज द यूनिट मोस्टली यूज इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज। द फॉर्मूला यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन इज एज फॉलोज। फ्रेंड्स, मोलैरिटी एक कंसेंट्रेशन यूनिट है जिसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि सोल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल की गई हो। ठीक है, इसको हम शो करते हैं एम से। तो यहाँ तक जो है, वैसे तो सारी भी लिख दें डेफिनेशन में तो ठीक है, ठीक है एम, लेकिन अगर आप इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम तक लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है, इसको एम से जो है वो जाहिर किया जाता है। मोलैरिटी वो यूनिट है जो केमिस्ट्री और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मोस्टली यूज होता है। मोलर सॉल्यूशन की तैयारी के लिए हमारे पास इक्वेशंस है। ठीक है, देखते हैं हम, यानी कि इसका फॉर्मूला मोलैरिटी जिसको हम एम से भी नोट करते हैं। ठीक है, इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है मास ओवर सॉल्यूट इन ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, एक तो ये है इसका फॉर्मूला, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी जिसको हमने एम से जो है वो डिनोट किया है इज इक्वल टू मास ओवर सॉल्यूट इन ग्राम्स। स्टूडेंट्स, ये बात जो है वो मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, जिसके साथ ग्राम्स है वो ग्राम्स में लिखना है, जिसके साथ डीएम क्यूब है वो आपने डीएम क्यूब में लिखना है, जिसके साथ सीएम क्यूब है वो आपने सीएम क्यूब में ही लिखना है। ठीक है, अगर आपने सारा सही लिखा होगा फॉर्मूला, लेकिन जी की जगह आपने डीएम क्यूब लिखा होगा या सीएम क्यूब लिखा होगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सो सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास मास ओवर सॉल्यूट इन ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल और मोलर मास of the solute in sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask. For example, 1 molar solution of NaOH. NaOH means sodium hydroxide, which is a base, strongest base. 1 molar solution of NaOH is prepared by dissolving 40 gram of NaOH in sufficient water टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर। स्टूडेंट, 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 1 मोल सॉल्यूट को पानी की इतनी मिकदार में हल किया जाता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए। इस सॉल्यूशन को मेजरिंग फ्लास्क में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोलर सॉल्यूशन की तैयारी के लिए 40 ग्राम या 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को इतने पानी में हल किया जाता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ हो जाए। 1 dm³ का मतलब 1 decimeter cubic हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, ये प्रैक्टिकल टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है,